मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 10.2। बेटा ये यूनिट हमारी जो है यूनिटरी मेथड की है। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि आपको जो है वन की कीमत निकालनी होती है, एक यूनिट की कीमत निकालनी होती है और उसके बाद हम उसमें उससे कम या ज्यादा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड, आपको इस समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ध्रुव बॉट 3 मीटर क्लॉथ फॉर ₹270। ध्रुव ने कपड़ा खरीदा 3 मीटर, कितने रुपए का? 270 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ? तो 7 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? अब देखो बेटा, यहाँ पे 3 मीटर की दी हुई है और 7 मीटर की निकालनी है। तो अब हम ये 7 मीटर के हम कैसे निकालेंगे, ये था यूनिटरी मेथड का। तो सबसे पहले हमें 1 मीटर क्लोथ के कपड़े की कीमत निकालनी है, वो जो कीमत आएगी उससे हम 7 मीटर के मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लॉथ 270, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ 270 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 9 27 और 0 का 0। कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, तो हमने 90 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 630 रुपीज। यानी 7 मीटर कपड़ा हमारा 630 रुपीज का आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिका परचेज 15 kg राइस फॉर ₹470.25। हाउ मच विल शी पे फॉर ₹26 kg राइस? उसको वो 15 किलो चावल की कीमत दे रखी है और 25 किलो की हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम 1 किलो चावल की कीमत निकालेंगे। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 kg राइस 470, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस हम इसको 15 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने 15 से डिवाइड किया हमारा आया 31 रुपीज 35 पैसा। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 25 kg राइस, तो हम इसे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 783 रुपीज 75 पैसा। नेक्स्ट, अ ट्रेन कवर 120 किलोमीटर इन 1 आवर। एक ट्रेन जो है 120 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करती है वो 1 घंटे में करती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 960 किलोमीटर? तो वो 960 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कितने घंटे में पूरा करेगी? हम लिखेंगे 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना करेगी बेटा? 1 / 120। 960 में कितना करेगी? मल्टीप्लाई बाय 960। 1 को 960 से मल्टीप्लाई किया 960 और ये 120। अब 120 को 960 से डिवाइड किया तो आया 8 आवर। इफ द कॉस्ट ऑफ 5 dozen बनाना इज 177 रुपीज 50 पैसा, यदि 5 दर्जन केलों की कीमत इतनी है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 dozen बनाना? तो 8 दर्जन केलों की कीमत क्या होगी? हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 dozen बनाना 177 रुपीज 50 पैसा, कॉस्ट ऑफ 1 dozen इसको हमने इससे डिवाइड किया हमारा आया 35 रुपीज 50 पैसा। कॉस्ट ऑफ 8 dozen, तो हम इसको फिर 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 284 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5, अनिरुद्ध परचेज 2 score ऑफ बॉल्स फॉर ₹2300। अनिरुद्ध ने परचेज किए है 2 scores। 2 score में बेटा कितने होते हैं? 20 balls। तो 2 score यानी 20 × 2 40 balls खरीदी है उसने 2300 की। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 such balls? तो 25 जो है बॉल्स की कीमत क्या होगी? हम लिखेंगे 1 score में आती है 20 balls, 2 score में हुई 40 balls, तो कॉस्ट ऑफ 40 balls इज इक्वल टू 2300। 1 ball कितने की होगी बेटा? 2300 को 4 से डिवाइड किया 57 रुपीज 50 पैसे की। तो 25 balls कितने की होगी? इसको हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आया 1435 रुपीज 50 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर इज 179 रुपीज। यानी 5 किलो शुगर यदि इतने में आती है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर? तो 3 किलो चीनी कितने में आएगी? हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर 179, कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आया 35 रुपीज 80 पैसा। फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 107 रुपीज 40 पैसे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।